अत्यंत प्राचीन मंदिर है इस उज्जैन का। मान्यता है कि उज्जैन नगरी पूरी इधर उत्तर की दिशा में जहाँ गढ़ की कालका सिद्धनाथ वगैरह एरिया बना हुआ है, इस साइड में पूरा एक था। जहाँ महाकाल का मंदिर है यह वन था, तो इसको महाकाल वन के नाम से जाना जाता है पुराने टाइम में। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी नगर कोट के, यहाँ से तो नगर के परकोटे पर नगर को देवी को इसको विराजमान करके इसका नाम नगरकोट देवी रखा गया विक्रमादित्य के समय में। तो उससे प्राचीनता है। और प्राचीनता का एकमात्र उदाहरण और है कि हम मतलब जब किसी भी बड़े की सम्मान देते हैं या ईश्वर की आराधना करते हैं तो हमसे ऊपर भले ही 2 इंच का आसन हो उसको पाटले पर वगैरह पे बिठाते हैं। उस हिसाब से मंदिर अंदर वाला पूरा अपने आप शिखर सहित ओटला सहित बना हुआ है और उस पर यह प्रतिमा विराजमान है। धूल कोट वगैरह इत्यादि की वजह से धीरे धीरे आसपास का स्थान ऊपर उठ गया और ये आज भी वहीं है। तो ये कम से कम 12 फीट 10 फीट नीचे हो गया है। तो 12 फीट का भरा हुआ है, इसका मतलब वर्षों हजारों साल लगते हैं इसमें भरने में। तो ये उसका एक सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है कि अत्यंत प्राचीन मंदिर है। मान्यता ये है कि यहाँ पर ये एक तो ऐसी मान्यता है कि श्री यंत्र पर विराजमान है। तो श्री यंत्र पे आपने जैसे भी कल्पना करी, जो भी आपकी श्रद्धा भाव से आपने कोई मान्यता यहाँ मानी है, तो ये माँ तत्काल उसे पूरा करती है। और उस बाद में मतलब जो है लोग अपनी मान्यता पूरी होने पर सुख संपत्ति ऐश्वर्य यश कीर्ति आरोग्य सौभाग्य वगैरह जो भी जिसकी भी कामना करी है उसको तत्काल पूरा करती है। मेरा नाम समाधि है, मेरी दुष्ट स्त्री पुत्रों में मैं इस समय धन स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मैं इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया। मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की स्त्री की वे मेरे पुत्र कैसे हैं, क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए। यह निरस्तो वान उदय पुत्रदारा जगनई केशु किम भक्ता स्नेहम अनुवदना अभिमानम